संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है और माना जा रहा है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी हैं कि इस बार बजट में उनका फोकस किस ओर रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीआईआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ग्रोथ को लेकर है, बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 7.2% रहेगी। आईएमएफ ने पिछले हफ्ते उसको अपस्केल किया इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को और कहा कि 20 बेसिस पॉइंट ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं, 7% होगा, पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि 6.5 से 7%। ये आकलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सर्वे इज़ वेरी पॉजिटिव, हेल्थ ऑफ द इकॉनमी इज़ इन वेरी गुड शेप और लास्ट ईयर की जीडीपी परफॉर्मेंस से भी पता लगता है, जब पूरी दुनिया में तकलीफ थी तो इंडिया डिड सो वेल एट 8%। सो दिस इज एन आउटकम ऑफ लॉट ऑफ द पॉलिसी इंटरवेंशंस दैट हैव हैपेंड ओवर सेवरल इयर्स, दैट्स वी आर ऑन अ गुड फाउंडेशन। नाउ स्पेसिफिकली ऑन दिस फोरकास्ट, यू नो, आई वुड से इट्स अ लिटिल कॉशियस। इवन आरबीआई एंड आईएमएफ, यू गेव दिस एग्जांपल, इवन सीआईआई बिलीव्स वी कैन डू बेटर बिकॉज वी बिलीव द रिफॉर्म मोमेंटम विल कंटिन्यू। वी ऑल्सो बिलीव दैट देर आर सेक्टर्स दैट विल परफॉर्म बेटर दिस ईयर एंड देयरफॉर द पोटेंशियल इज एक्चुअली maybe could be even 8%, and this is also reflected in the internal internal jo CII ke membership mein survey hai, usme bhi mood copy optimistic hai, fresh investment ki baat hai surveys mein, surveys mein capacity utilization 75% plus, so hum log ka our own ye anuman hai ki isse better hoga. Aapko shayad khyal hoga pichle baar bhi jo economic survey mein forecast tha ultimately economy ne usse better kiya, तो होपफुली इस बार भी ऐसा ही होएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार जब मीडिया ब्रीफिंग करने आए थे तो उन्होंने एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन किया और वो मुझे लगता है 2-3 बार इस बात पर फोकस करते रहे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर महत्वपूर्ण सेक्टर है रोजगार के दृष्टिकोण से, नया निवेश लाने के दृष्टिकोण से, और उसमें डीरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में। आपको लगता है कि इस यूरोप इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस को आगे बढ़ाने का एक संकेत भी है? बिल्कुल है और बहुत सही है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो ये जो इकॉनमी का परफॉर्मेंस है जो 8% पिछले साल हुआ है, वो हुआ है क्योंकि सही पॉलिसी और सही नीतियाँ अपनाई गई, सही तरीके से रिफॉर्म हुआ काफ़ी सालों से, उसका इम्पैक्ट है। सिर्फ ये बाय द वे नहीं हो गया है, ये कुछ एक्शन लिए थे तो उसको आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स और काफ़ी प्रायोरिटी सेक्टर्स भी इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किए हैं, छः जो एरियाज़ हैं, उससे सीआईआई एकदम सहमत है। तो ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है आगे बढ़ना चाहिए और ये जो एक नेक्स्ट जनरेशन की जो रिफॉर्म्स हैं जो होनी बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जैसे एग्रीकल्चर है, लैंड है, लेबर है, पावर सेक्टर है, इसमें स्टेट के साथ भी एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जिससे कंसेंसस बिल्ड होए जैसे जीएसटी में था, बिकॉज ये नेक्स्ट सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जो इकॉनमी का पोटेंशियल फर्दर अनलॉक करेंगे। तो ये अपने प्री बजट मेमोरेंडम में रखा भी है वित्त मंत्री के साथ जी, रखा है इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जी, सेंटर और स्टेट्स के बीच क्रूशियल जो सेक्टर्स हैं उसमें कंसेंसस जी रिफॉर्म। एब्सोल्युटली तो ये बेसिकली जो डायरेक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे में है वो एकदम सही है और उससे इकॉनमी को काफ़ी फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण सुझाव जो आपने वित्त मंत्री के सामने रखा है वो पर्सनल इनकम टैक्स रेट में बदलाव को लेकर है। नाउ ये सवाल आम आदमी के लिए बहुत इंटरेस्ट का है और बहुत चर्चा हुई जब आपने वो प्री बजट मेमोरेंडम दिया और आपने खुद भी ब्रीफिंग करके इसकी जानकारी दी थी। जो लोएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में जो लोग आते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने का आपने क्या स्पेसिफिक आपने सुझाव रखा है, किस तरह का बदलाव ज़रूरी है पर्सनल इनकम टैक्स? देखिए, ये है कि हम लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि जो मिडिल क्लास के लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ होए, कि मे बी जो 20 लाख से नीचे तक है वहाँ पे कुछ रिलीफ, और दूसरा इसमें रूरल इकोनॉमी के लिए भी बात रखी थी, तो जिसमें एक पीएम किसान और मनरेगा वेजेस हैं उसमें बढ़त की एक बात की थी। साथ में ये भी कहा था कि जो एक पीएम स्वनिधि स्कीम है,
माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, वो अर्बन एरियाज के लिए है, मेरे ख्याल से दिसंबर इस साल तक है, तो उसको आगे आगे बढ़ाया जाए और इस टाइप की स्कीम रूरल एरियाज में भी लाई जाए। और जो एक ये भी कहा था रूरल एरियाज के लिए, यू नो, ये सब मेजर्स हैं टू बूस्ट कंजम्पशन। कंजम्पशन बूस्ट होने से फिर नेचुरली इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो ये भी सजेस्ट किया था कि रूरल एरियाज में कि जो इस बार पब्लिक कैपेक्स हमने हम लोगों ने सजेस्ट किया कि 25% उसमें बढ़त आए, तो उसमें थोड़ा फोकस रूरल में रहा है पास में, बट उसको और बढ़ाने का एक कंसिडरेशन होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विशेषकर अगर आप अंतरिम बजट देखें 11.11% इंक्रीज था, 11,11,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा, आप चाहते हैं कि उसको 25% और बढ़ाया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? 25% पिछले साल के एक्चुअल के ऊपर, अंतरिम बजट से नहीं। और इससे देखिए दो फायदे हैं, एक तो यू नो ये इकॉनमी को इम्पेटस देता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं, कंजम्पशन होता है, उससे इन्वेस्टमेंट आती है, और ये पहले भी देखा है कि ये स्ट्रेटजी रही है फाइनेंस मिनिस्टर की और वो कामयाब स्ट्रेटजी है। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आते हैं, वो होता है। और दूसरी बात ये है कि एक इंडिया की एक कंपेटिटिवनेस बढ़ाता है, और तीसरी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है इंडिया की ग्रोथ के लिए। जब इंडिया की इकॉनमी बढ़ेगी तो मर्चेंडाइज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, पोर्ट्स में है, रोड्स में है, यू नो, जैसे टूरिज्म को बढ़त करना है तो एयर ट्रैवल, यू नो, रेल ट्रैवल, ये सब ट्रैवल, सो ऑल दीज एरियाज आर, यू नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़त के लिए भी इसको एक्सपेंशन की ज़रूरी है। सो इसके तीन बेनिफिट हैं, एक इमीडिएट इम्पेटस टू एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कंपेटिटिवनेस, और तीसरा ये कह रहा हूँ इंडिया की ग्रोथ की कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए। जी, एक और महत्वपूर्ण बात जो इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है कि हर साल भारत को एनुअली ऑन एन एवरेज 7,80,000 के करीब जॉब्स, 78 लाख उसमें लिखा था, 78 लाख सालाना ऑन एन एवरेज जॉब्स क्रिएट करने होंगे 2036 तक, इतनी ज़रूरत होगी। आपको लगता है कि बजट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, क्योंकि इस पर ज़रूर सबकी नज़र होगी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर सबसे ज़्यादा चर्चा और बहस हुई है, कहाँ कहाँ पे वित्त मंत्री आपको लगता है कि फोकस कर सकते हैं अपने बजट में, और आपने क्या सुझाव दिया है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए? देखिए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पहले जो नीतियाँ अपनाई थी, जो विजन थी, वो कामयाब रही है, तो उस पर कंटिन्यूटी और उस पर बिल्डअप हुए वो विजन पे। दूसरा है कि नेक्स्ट लेयर ऑफ जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स है, फर्दर वर्क ऑन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें काफ़ी काम पहले भी हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए, तो नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स के बारे में मैंने बात की है। देन एक जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको प्रोवाइड सम एम्पेटस प्रोवाइड किया जाए, जैसे PLI स्कीम एक बहुत कामयाब स्कीम है, तो ऐसे एक ELI टाइप की स्कीम का सोचा जा सकता है, वो जैसे अपैरल, टॉयज, फर्नीचर, टूरिज्म, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये एरियाज हैं जो एडिशनल रिफॉर्म प्रोसेस की जर्नी में आगे ले जाएंगे और जिससे फर्दर इम्पेटस आएगा इकॉनमी में। एक आखिरी सवाल कृषि क्षेत्र के लिए है, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं और किसान चाहते हैं कि उनकी अभी भी शिकायत है कि उनकी जो फसल है, जो खेती करना महंगा हो गया है और कमाई घटती जा रही है, कई जगहों पे उनकी शिकायत है कि जो MSP रेट दिल्ली में तय होता है वो अब भी बाज़ार में हमें नहीं मिलता, मंडियों में नहीं मिलता, और इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए? और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि इस साल में तो मॉनसून डेफिशिएंसी का एक प्रेजेंटेशन भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने किया और दिखाया कि 31% रेनफॉल डेफिशिएंसी अभी तक है, वैसे तो अभी समय है, सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून सीज़न रहता है, पर कृषि क्षेत्र को लेकर क्या आपको लगता है कि ग्रोथ मोमेंटम वहाँ पर लाया जाए, किसानों की इनकम बढ़े, इसके लिए बजट में आपने क्या सुझाव दिए? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है दो चीज़ें, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी बहुत ज़रूरत है, दूसरी है कि एग्रीकल्चर में रेजिलियंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और एक डायमेंशन है तो इसमें काफ़ी पॉलिसी रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं इस सेक्टर में, और कुछ इकोनॉमिक सर्वे में बात की थी, और ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो हम कह रहे हैं सेंटर और स्टेट का, ये एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए इसमें, मतलब सेंटर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए स्टेट के साथ कंसेंसस के लिए। उसके अलावा जो कुछ पॉलिसीज पहले नीतियाँ लाई थी वो भी सक्सेसफुल हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए, जैसे फार्मर कलेक्टिव की है, इसकी एक कन्वर्ज स्कीम
लाई जाए, जैसे ये एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाने के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएट करने के लिए, जैसे ड्रोन दीदी है ताकि फार्मिंग एज अ सर्विस अवेलेबल होए फार्मर कलेक्टिव्स को, डिजिटाइजेशन एग्रीकल्चर की होए, ये जो इंडिया एग्री स्टैक है ये जो इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, इसको लॉन्च करने का मेरे ख्याल से समय आ गया है। फिर इनको FPS को कंबाइन करके एक क्लस्टर बनाया जाए, बिकॉज क्लस्टर बनाने से क्या होएगा कि जो इकोसिस्टम है, जो सर्विसेज एग्रीकल्चर को चाहिए, वो इकोनॉमिकली अवेलेबल हो सकती हैं। सिर्फ एक एक FPO को करना मतलब इकोनॉमिकल वाइबिलिटी नहीं आएगी, एक क्लस्टर बना सकते हैं। और ये जो डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी है और इससे क्या है, फार्मर्स फार्मिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला सकते हैं, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करके ये जो राइट प्रैक्टिसेस, ताकि एग्रीकल्चर में रेजिलियंस भी बिल्ड होए, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वैल्यू चेन प्लेयर्स, फार्मर कलेक्टिव्स, ताकि जो R&D की जो रिक्वायरमेंट है वो भी शार्पली टारगेटेड होए, और पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो वातावरण बदल रहा है ना, उसके लिए कैसे रेजिलियंस बिल्ड किया जाए क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये सब चीज़ें एड्रेस करने से मैं समझता हूँ कि फार्मर इनकम्स बढ़ेंगी और साथ में और भी रेजिलियंस आएगा इकॉनमी में। तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर को आप लगता है कि बजट में इन इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा? हाँ, तो हम लोगों ने सुझाव दिया है कि एक नेशनल कमीशन ऑन अडेप्टेशन और एक नेशनल मिशन ऑन वाटर सिक्योरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दिल्ली से मेरे सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।